चलो बच्चों, तो आज हम लोग मैथ्स में सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करें, जो चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में अभी तक हमने एक्सरसाइज 2.1, 2, 3 देखी और 2.4 के हमने 3 क्वेश्चन देखे थे। आज इस चैप्टर में एक्सरसाइज 2.4 को ही कंटिन्यू करें, एक्सरसाइज 2.4 को कंटिन्यू करें, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 से शुरुआत करें। 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज करना। फैक्टराइज करना मतलब ये जो हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जैसे कि 12x² - 7x + 1, ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसको फैक्टराइज करना है, मींस इसके फैक्टर ढूंढने हैं। फैक्टर ढूंढना मतलब ये कहलाता है कि इस पॉलिनोमियल को कौन से पॉलिनोमियल से हम डिवाइड कर सकते हैं, किस किस से डिवाइड कर सकते हैं, वो फाइंड करना, उसके फैक्टर फाइंड करना। जैसे कि देखो, अगर आपका कोई नंबर होता है, जैसे कोई नंबर का हो 10, तो 10 के फैक्टर कौन कौन से, 10 के फैक्टर कौन से, तो 10 के फैक्टर होते हैं 1 की टेबल में आता है ना 2, 1 से डिवाइड होता है 10, फिर 2 से भी डिवाइड होता है 10, या तो फिर 5 से डिवाइड होता है, या तो 10 से भी डिवाइड होता है। तो जिस से 10 डिवाइड होता है, ये सब उसके फैक्टर कहला है। उसी तरह से हमें ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये पॉलिनोमियल को भी हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना मतलब इसके भी फैक्टर ढूंढने हैं कि इस पूरे नंबर को किस किस से डिवाइड कर सकते हैं। और ये फैक्टराइज अगर करना हो ना, तो उसके लिए आपके इस चैप्टर में 2 मेथड हैं। एक ये 3 टर्म्स का फैक्टराइजेशन और दूसरा 4 टर्म का फैक्टराइजेशन। पहले 3 टर्म का फैक्टराइजेशन देखते हैं। और 3 टर्म का जब भी फैक्टराइजेशन करना हो, तो फैक्टराइजेशन की सिंपल, जिसे हम लोग कहते हैं ट्राइंगल फार्मूला, यूज़ करेंगे। ट्राइंगल फार्मूला एक ऐसी फार्मूला ये कि जो आपको 8th स्टैंडर्ड में भी आती थी, अभी भी है, और जब तक मैथ्स करते रहोगे ना, तब तक ये फार्मूला पॉलिनोमियल्स में आएगी ही आएगी, ये ट्राइंगल फार्मूला। ठीक है, ये मेथड कि 3 टर्म्स का फैक्टराइज करना हो, वो इस मेथड में क्या किया जाता है, स्टेप समझना। पहला ही स्टेप समझने लायक है, उसके बाद तो दोनों स्टेप बहुत इजी है। सिर्फ फर्स्ट स्टेप ध्यान से समझना है आपको, फैक्टराइजेशन में सिर्फ फर्स्ट स्टेप ध्यान से समझना है कि देखो, जिसमें ट्राइंगल मेथड में क्या करते हैं हम लोग कि हमेशा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, उनके कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई, एक्स का नहीं है, सिर्फ नंबर का। और साइन भी देखते हैं कि लास्ट टर्म में साइन कौन सी है। जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करें, 12 × 1 = 12, और साइन कौन सी है आखिरी में, प्लस है, तो +12। कौन सा नंबर आया, +12 आया, रफ में लिख देंगे +12। अब ये जो +12 आया, उस 12 का ऐसा फैक्टर करते हैं कि जिसका +12 है ना, जिसका प्लस ये मिडल टर्म 7 आता हो, जिसका प्लस ये मिडल टर्म 7 आता हो, ऐसे। इसलिए इसे हम लोग शॉर्ट में ट्राइंगल मेथड कहते हैं। फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करना और उसका फैक्टर मिडल टर्म में करना। मतलब ऐसा कि 12 × 1 = 12 आया। अब 12 के ऐसे फैक्टर करना है कि जिसका प्लस ये मिडल टर्म 7 आता हो। तो 12 के फैक्टर मतलब ऐसे करेंगे, समझना, ये रफ में करेंगे कि 12 कौन कौन सी टेबल में आता है वो चेक करते जाएंगे। जैसे देखो, 12 पहले 1 की टेबल में आता है ना, 1 की टेबल में 12 कब आता है, तो 1 12 हुआ, लेकिन 1 + 12 7 होता है नहीं ना। हमें यहाँ पे ऐसे नंबर ढूंढने, 2 नंबर जो 12 के फैक्टर्स हो, ऐसे 2 नंबर ढूंढने कि जिसका प्लस 7 बनता हो, ऐसे 2 नंबर ढूंढने। ठीक है, जैसे 1 की टेबल में 12 आता है, 1 12 आ, लेकिन 1 + 12 7 नहीं बनेगा। तो दूसरा कि 2 की टेबल में 12 कब आता है, 2 की टेबल में 12 आता है 6 जा, लेकिन 2 + 6 वो 7 होगा नहीं होगा, तो ये भी नहीं। फिर 2 की टेबल में नहीं, तो 3 की टेबल में 12 कब आता है, तो 3 4 जा, तो 3 + 4 वो 7 होगा, तो 3 + 4 7 होगा ना, 7 3 + 4, तो मीन्स हमें वो 2 नंबर मिल गए 3 और 4, ये फैक्टर मिले।
समझ रहे हो? ध्यान से समझना कि आप लोग फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करोगे, और उस मल्टीप्लाई का जो आंसर आया, जैसे 12 वन ज़ा 12, यहाँ प्लस 12, उस 12 का ऐसा फैक्टर करना है कि जिसका प्लस फिर मिडल नंबर आता हो, ये 7 आता हो। तो जैसे 12 के फैक्टर करते हुए रफ में मिला 3 4 ज़ा, 3 4 ज़ा 12 भी होता है, 3 प्लस 4 7 भी होता है। तो अब इसका जब फैक्टराइज करेंगे ना पहला स्टेप, तो समझना पहले स्टेप में ये फर्स्ट टर्म 12x² सेम लिखेंगे जो क्वेश्चन में, वही लास्ट टर्म 1 भी वही लिखेंगे। जो बीच में 7x है वो 7x की जगह पर हम लोग ये दो नंबर लिखेंगे कि 3 प्लस 4 7 होता है ना, तो 7x की जगह पे लिखेंगे 4x एंड 3x। 7x पे क्या लिखा जाएगा? 4x एंड 3x, पहले पहले 3 फिर 4, ओके। लेकिन अब यहाँ मेन चीज़ कि जब आप मिडल टर्म लिखो ना, फर्स्ट टर्म सेम लिखोगे, लास्ट टर्म सेम लिखोगे, जब आप मिडल टर्म का स्प्लिट करो, ये स्प्लिट हुआ ना, जैसे 7 की जगह 4 और 3 लिख दिया, जब मिडल टर्म का स्प्लिट करो तो स्प्लिट करते वक्त यहाँ कौन सी साइन लगानी है वो खास ध्यान देते हैं। ये आपके पूरे सम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ साइन गलत लगाए तो सम गलत है। 3 स्टेप का सम, लेकिन ये फर्स्ट स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे कौन सी साइन लगाते हैं, तो यहाँ मैं एक रूल लिखवा रहा हूँ, आप लोग जो है वो बुक में वो रूल नोट कर लेना। सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि जैसे यहाँ पे 4 और 3 हमने लिखा, ये तो यहाँ से पता चला ना कि 3 4 या 4 3 कोई भी ये दो नंबर लिखना है। तो 4 और 3 का क्या करना है? 4 और 3 का एडिशन करना है 7 होगा कि सब्ट्रैक्शन करना है? तो 4 और 3 का एडिशन करना होगा ना, मीन्स 4 प्लस 3 करेंगे तो 7 आएगा ना, 4 प्लस 3 करेंगे तो 7 होगा ना। तो अगर एडिशन करना हो ना, मैं यहाँ ए लिख रहा हूँ, ओके, यहाँ हैंडराइटिंग ध्यान देना, लेकिन आप बुक में अच्छी तरह से नोट करना कि जब एडिशन करना हो तो मिडल टर्म में दोनों में, ये दोनों नंबर में मिडल टर्म की साइन देते हैं। कौन सी साइन? मिडल टर्म साइन देते हैं दोनों में। मिडल टर्म साइन मतलब ये ऊपर जो मिडल टर्म की साइन है, जैसे अगर मिडल टर्म में माइनस है तो दोनों को माइनस माइनस देंगे, अगर मिडल टर्म में प्लस होता तो दोनों को प्लस प्लस देते। अगर एडिशन करना है ए, अगर एडिशन करना है तो दोनों को मिडल टर्म की साइन देंगे, ठीक है ना। तभी तो ये देखो यहाँ माइनस था तो दोनों को मिडल टर्म की माइनस की साइन दी। तो आप खुद ही चेक करो एक बार कि -4 और -3, तो -4 एंड -3 तो -7 होगा ना, वो करेक्ट आएगा ना। पीछे एक्स तो लगाना ही है, वो तो है ही, लेकिन नंबर की काउंटिंग में -4 और -3 तभी -7 आएगा ना, ओके। तो अगर एडिशन करना हो तो मिडल टर्म की साइन, लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन करना होता, एस बोल रहा हूँ कि अगर सब्ट्रैक्शन करना होता, ठीक है, एडिशन करना हो तो मिडल टर्म की साइन, लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन करना होता, जैसे 4 माइनस 3 यहाँ 1 बताना होता, 7 नहीं लेकिन अगर 1 बताना होता, अगर सब्ट्रैक्शन करना होता तो फिर दोनों में से जो लार्जर नंबर होता ना, लार्जर नंबर, जैसे 4 और 3, तो 4 और 3 में लार्ज नंबर 4 है, भले वो 4 यहाँ पे लिखो कि यहाँ पे लिखो, इसमें आप भले पहले 3 लिखते या पहले पहले 4 लिखते, उसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। साइन बराबर लगानी है। एडिशन जब करना हो तो दोनों में ये मिडल टर्म की साइन, मतलब यहाँ माइनस है तो दोनों में माइनस, प्लस होता तो दोनों में प्लस, लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन करना हो तो जो लार्जर नंबर होता है, जो लार्जर नंबर हुआ उसमें मिडल टर्म की साइन देते हैं, उसमें मिडल टर्म की साइन, मींस कि देखो 4 और 3 में 4 बड़ा है तो उसे मिडल टर्म की साइन, मिडल टर्म में यहाँ ऊपर माइनस है तो इसे माइनस, अगर यहाँ प्लस होता तो इसे प्लस, लार्जर नंबर में मिडल टर्म की साइन, और जो स्मॉलर नंबर हुआ, एस एन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जो स्मॉलर नंबर हुआ उसमें अदर साइन, ठीक है, ओ एस लिख रहा हूँ, मीन्स अदर साइन। अदर साइन मीन्स कि अगर लार्जर नंबर को माइनस की साइन दी है तो स्मॉलर को प्लस, अगर लार्जर नंबर को प्लस की साइन दी है तो स्मॉलर को माइनस, ओके ना, ऐसे देंगे ना।
तो फिर से बता रहा हूँ, आपका ये स्टेप इम्पोर्टेंट है, पहला सम है ना, इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। सबसे पहले पहला और आखिरी टर्म का मल्टीप्लाई, जैसे 12 वन ज़ा 12 रफ में लिख दो कि प्लस 12। फिर 12 के ऐसे फैक्टर करते हैं कि जिसका आंसर बीच में 7 आता हो, जिसका आंसर बीच में 7 बनता हो। तो जैसे 12 के फैक्टर हमने किए 3 और 4, तो पहला टर्म ऐसे ही लिखते हैं 12x², आखिरी वाला टर्म भी वैसे ही 1, और मिडल टर्म में लिखते हैं, मिडल टर्म में हम लोग 7 की जगह पर ये जो नंबर ढूंढे 3 और 4 लिखेंगे। 3 और 4 का प्लस करना है ना 7, तो एडिशन करना हो तो दोनों में मिडल टर्म की साइन लगाते हैं, मिडल टर्म की। यहाँ मिडल टर्म में माइनस है, क्वेश्चन के मिडल टर्म में माइनस है, तो दोनों में माइनस। मीन्स ये जो 3 टर्म्स हैं वो 3 टर्म्स के 4 टर्म्स रेडी हो गए। 12x² - 4x - 3x + 1, ये 4 टर्म्स रेडी हो गए। अब इनमें ये जो 4 टर्म्स बन गए, इन 4 टर्म्स में से अब 2 2 टर्म्स में से कॉमन निकालेंगे। पहले 2 टर्म में से कॉमन निकालेंगे और आखिरी 2 टर्म्स में से कॉमन निकालेंगे, ठीक है। अगर ये 4 टर्म्स आ गए तो पहले 2 में से कॉमन और आखिरी 2 में से कॉमन। तो पहले 2 में से जैसे 12x² और 4x, इसमें से अगर कॉमन निकालना है ना, तो इनके कॉमन में पहले नंबर में देखते हैं 12 और 4 दोनों कौन सी टेबल में आते हैं, तो दोनों 4 की टेबल में आते हैं, मीन्स कॉमन में 4 आएगा। और x² और x, ये x² और x में छोटी पावर वाला, कम पावर वाला कौन सा है, x है, तो वो x कॉमन आएगा। मतलब इन दोनों में से कॉमन कौन सा होगा, 4x, ओके। 12x² - 4x, उसमें से कॉमन कौन सा, तो 4x कॉमन होगा। तो फिर ब्रैकेट में लिखेंगे कि देखो 12 में से 4 कॉमन, तो 12 में से 4 कॉमन तो कितना बचेगा, 3। डिवाइड करते हैं, 12 / 4, तो कितना अंदर बचेगा, 3 बचेगा ना, कॉमन निकालना मतलब उससे डिवाइड कर देना। फिर x² में से x कॉमन, तो अंदर 1x बचेगा, x² मतलब 2 बार x है, उसमें से 1x कॉमन, तो अंदर 1x बचेगा। माइनस ये 4x बाहर, माइनस ये 4x में 4 भी कॉमन, x भी कॉमन, 4x पूरा ही बाहर कॉमन आ गया, कुछ भी नहीं बचेगा, तो क्या लिख देंगे, 1। तो इन दोनों में से 4x कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचा, 3x - 1। माइनस 3x + 1, इन दोनों में से कॉमन, आखिरी 2 टर्म्स में से कॉमन। तो लास्ट 2 टर्म्स में 3 और 1 दोनों कौन सी टेबल में आते हैं, कोई टेबल में नहीं आते, मतलब 1 ही लिखेंगे। और x और x भी दोनों में नहीं है, दोनों में x हो तो कॉमन निकलता है ना, दोनों में x भी नहीं है, मतलब कॉमन कुछ भी नहीं निकलेगा, सिर्फ क्या, 1। और यहाँ माइनस है इसलिए -1, लेकिन जब -1 कॉमन निकालो तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, प्लस का माइनस। तो देखो कुछ कॉमन नहीं निकाला, सिर्फ 1 ही रखा है, तो ब्रैकेट में 3x का 3x ही रहेगा, कुछ कॉमन तो हुआ नहीं, प्लस का माइनस हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है तो प्लस का माइनस, और आखिरी में 1 का 1 रहेगा। तो 3x - 1, 1 कॉमन निकाला तो 3x - 1। और ये चीज़ खास ध्यान देते हैं, आप पहले 2 टर्म में से जो कॉमन निकालो और आखिरी 2 टर्म में से जो कॉमन निकालो, दोनों में ये ब्रैकेट सेम बचना चाहिए, दोनों में ब्रैकेट सेम आना चाहिए, 3x - 1, 3x - 1, या कोई भी हो, सेम भी, नंबर में भी सेम और साइन में भी सेम आना चाहिए। अगर दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे हैं, मतलब आपने सम में कहीं मिस्टेक की है। तो यहाँ ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए ना, 3x - 1, और बाकी नंबर कौन से बचे, ब्रैकेट के अलावा कौन से बचे, 4x - 1। तो जो बाकी के नंबर बचे ना, 4x - 1, आखिरी में उसे एक ब्रैकेट में लिख देंगे, 4x - 1। और जो बच गया, जो यहाँ पर नंबर बचा, जो ये ब्रैकेट में बचा, उसे अलग लिख देंगे, 3x - 1। मीन्स यहाँ पर हमें ये 2 ब्रैकेट मिल गए, ये 2 फैक्टर मिल गए, 4x - 1 एंड 3x - 1, ओके। ऐसे करेंगे ना, ये देखो ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन भी, सेकेंड क्वेश्चन में है 2x² + 7x + 3, इसमें भी हमें फैक्टराइज करना है। तो देखो फैक्टराइज के लिए पहली ये चीज़ कि पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई कर देते हैं, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई, जैसे ये 2 और 3,
तो 2 3 6, साइन भी देखते हैं कि आखिरी में कौन सी साइन है, लास्ट में देखते हैं आखिरी में कौन सी साइन है, प्लस मतलब +6। अब 6 का ऐसा फैक्टर करना है, 6 का ऐसा फैक्टर करना है कि जिसका प्लस ये 7 बनता हो, जिसका प्लस क्या बनता हो, 7 बनता हो। तो 6 देखेंगे कौन कौन सी टेबल में आता है, जैसे पहले 1 से शुरू करते हैं हमेशा, 1 की टेबल में 6 कब आता है, तो 1 6 6, और चेक करते हैं 1 प्लस 6 7 होता है, होता है ना 1 प्लस 6 7, मतलब ये पहले ही मिल गया हमें 1 प्लस 6 7, ये दो नंबर मिल गए 1 और 6, या तो 6 और 1 जो भी लिखो। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखते वक्त तो पहला टर्म सेम लिखते हैं 2x स्क्वायर, आखिरी नंबर भी वही लिख देते हैं +3, बीच वाला नंबर 7x है तो 7x की जगह पर यहाँ पर लिखेंगे 6 और x 6x एंड x, 6x 6 और 1 लिखना है ना, तो ये 6x और 1 है तो उसके लिए सिर्फ x, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। और दोनों में साइन कौन सी, तो यहाँ मैंने रूल बताया कि जब एडिशन करना हो ना तो दोनों में मिडल टर्म की साइन देते हैं, यहाँ 6 और 1 का एडिशन करना है ना तो 7 आएगा ना, तो दोनों में मिडल टर्म, मिडल टर्म में कौन सा है, प्लस है, क्वेश्चन के मिडल टर्म में प्लस है तो दोनों में प्लस की साइन, इसलिए +6x और +x ऐसे लिखा जाएगा। फिर कॉमन निकालेंगे, फिर दो दो में से कॉमन, जैसे पहले दो में से कॉमन 2x स्क्वायर और 6x, तो पहले नंबर देखते हैं 2 और 6, 2 और 6 दोनों कौन सी टेबल में आते हैं, तो 2 और 6 वो दोनों 2 की टेबल में आते हैं, और x स्क्वायर और x ये दोनों कौन सी टेबल में, मतलब इन दोनों में से कॉमन क्या, तो इन दोनों में से कॉमन ओनली x, जो कम पावर का हो वो, तो x कॉमन। तो पहले में देखो 2x स्क्वायर में से 2x कॉमन, तो बचेगा क्या, x बचेगा 2x स्क्वायर, उसमें से 2x कॉमन निकल जाएगा, 2 भी कॉमन निकल जाएगा तो कुछ लिखेंगे नहीं नंबर, और x स्क्वायर x को 2 बार में से 1x कॉमन, तो अंदर 1x बचेगा, +6x, तो 6 में से 2 कॉमन, 6 में से 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, 3, 6 डिवाइड बाय 2 करते हैं ना, 6 डिवाइड 2 3 बचेगा, और x बाहर कॉमन आ गया तो यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ 3। और आखिरी दोनों में से कॉमन निकालें x+3 में से, अब x और 3 में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, दोनों में कोई नंबर नहीं है, सिर्फ 3 है तो इसमें कोई नंबर ही नहीं, कुछ कॉमन नहीं तो सिर्फ 1 लिखेंगे, 1 बाहर ये +1 तो अंदर, x में से कुछ भी कॉमन नहीं तो x ही लिखें, और 3 में से भी कुछ कॉमन नहीं तो 3 लिखें, x+3। फिर से बोल रहा हूँ ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, x+3 एंड x+3, दोनों के साइन और ब्रैकेट सेम ही आने चाहिए ना, और बाकी जो बचे ना, बाकी कौन से बचे जो बाहर कॉमन निकाला, 2x+1, मीन्स ये जो बच गया उसे एक ब्रैकेट में लिख देंगे 2x+1 और दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे x+3, ये दोनों कहलाए इसके फैक्टर, ठीक है ना, जो क्वेश्चन था तो उसके ये फैक्टर मिल गया ना, ओके। ऐसे ही देखो दूसरा क्वेश्चन 3 में है, तो क्वेश्चन 3 में है 6x² + 5x - 6, इसमें भी वही ट्राइंगल मेथड यूज़ करें, तो सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई, तो 6 और 6 का मल्टीप्लाई 6 6 36, रफ में लिख देते हैं कि भाई 6 6 36 हुआ, साइन देखते हैं कि साइन कौन सी आखिरी में, माइनस, तो -36। तो अब 36 का ऐसा फैक्टर करना है, ऐसे 36 को तोड़ना है कि जिसका माइनस ये मिडल टर्म 5 बनता हो, जिसका माइनस क्या बनता हो, 5, ओके ना, इसमें माइनस आया इसीलिए ये साइन नहीं देखते, ये वाली साइन देखते हैं, लास्ट टर्म में माइनस है ना, तो जिसका -5 आता हो ऐसा नंबर ढूंढने, तो 36 को फैक्टर करें, 36 1 की टेबल में 36 कब आता है, 36 जा, लेकिन 36 - 1 तो 5 होगा, नहीं होगा, फिर 2 की टेबल में 36 कब आता है, तो 2 18 जा 36 होता है, लेकिन 18 - 2 5 होगा, नहीं होगा, फिर 3 की टेबल में 36 कब आता है, तो 3 12 जा 36, लेकिन 12 - 3
फाइव होगा, ये भी नहीं होगा। एक एक करके चेक करते जाएंगे, एक नंबर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। फिर फोर की टेबल में देखते हैं, फोर की टेबल में 36 कब आता है, नाइन जा, तो नाइन माइनस फोर वो फाइव होगा, होगा नाइन माइनस फोर वो फाइव होता है ना, तो इसका मतलब यहाँ दो नंबर मिल गया, नाइन एंड फोर, या तो फोर एंड नाइन, आगे पीछे कोई भी लिखो, ये नाइन एंड फोर ये दो नंबर मिले, तो इसको भी ऐसे ही लिखते हैं। पहला नंबर सेम लिखते हैं सिक्स एक्स स्क्वायर, आखिरी नंबर भी पहले सेम लिख देते हैं सिक्स, और मिडल नंबर में फाइव एक्स जो है उस फाइव एक्स की जगह पर लिखेंगे नाइन और फोर, नाइन एक्स एंड फोर एक्स। और साइन कौन सी दोनों में, नाइन और फोर में साइन कौन सी, तो आगे मैंने सब्ट्रैक्शन का रूल बताया, जो आगे सब्ट्रैक्शन का रूल लिखा उस सब्ट्रैक्शन के रूल में कि हमें देखो नाइन और फोर का सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है ना, नाइन और फोर का माइनस करोगे तो फाइव आएगा ना, तो सब्ट्रैक्शन का रूल आता है कि जो लार्जर नंबर हो, लार्जर नंबर में मिडल टर्म की साइन देते हैं। तो नाइन और फोर में लार्जर नंबर कौन सा है, नाइन ना, तो ये नाइन में ये मिडल टर्म की साइन, मिडल टर्म की साइन प्लस, तो ऐसे प्लस, तो लार्जर नंबर में मिडल टर्म की साइन, ये प्लस नाइन, और जो स्मॉलर नंबर है वो स्मॉलर नंबर में अदर साइन देते हैं, स्मॉलर नंबर जो हुआ उसमें अदर साइन, तो स्मॉलर नंबर ये फोर है उसमें अदर, मतलब अगर इसको बड़े नंबर को प्लस की साइन दी तो इसको अदर साइन माइनस, अगर इसको माइनस दिया हुआ होता तो इसको अदर साइन प्लस देते, तो यहाँ माइनस फोर एक्स ना, और क्रॉस चेक कर लेते हैं, प्लस नाइन और माइनस फोर तभी प्लस फाइव बचेगा ना, सही बात ना। तो अब जो ये चार नंबर मिल गया ना, फोर टर्म्स हो गए, फोर टर्म्स में से अब ये दो दो टर्म्स कॉमन निकालेंगे, दो दो टर्म कॉमन निकालेंगे, तो पहले दो टर्म में से कॉमन निकालेंगे हम लोग कि देखो सिक्स एक्स स्क्वायर और नाइन एक्स, तो सिक्स एक्स स्क्वायर और नाइन एक्स में से कॉमन निकालें, दोनों थ्री की टेबल में आते हैं, सिक्स और नाइन दोनों थ्री की टेबल में आते हैं, तो कॉमन निकालेंगे थ्री एक्स, दोनों थ्री, और एक्स स्क्वायर और एक्स भी तो है ना, तो थ्री एक्स कॉमन, तो पहले देखो सिक्स में से थ्री कॉमन तो बचेगा टू, थ्री टू जा सिक्स होता है, सिक्स में से थ्री कॉमन तो बचेगा टू, एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन, तो एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन तो बचेगा ओनली एक्स, प्लस नाइन एक्स में से, नाइन एक्स में से थ्री एक्स कॉमन, नाइन में से थ्री कॉमन तो बचेगा थ्री, और एक्स में से एक्स बाहर निकल जाएगा तो कुछ भी नहीं, टू एक्स प्लस थ्री यही रहेगा, माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स है तो फोर और सिक्स में से कॉमन, तो फोर और सिक्स वो दोनों टू की टेबल में आते हैं, तो टू कॉमन, एक्स दोनों में नहीं है तो एक्स कॉमन नहीं निकलेगा, सिर्फ टू कॉमन। अब फोर एक्स में से टू कॉमन, फोर में से टू कॉमन तो बचेगा टू, और एक्स में से कुछ भी नहीं तो वो एक्स यही रहेगा, कुछ कॉमन एक्स तो निकाला नहीं है, टू एक्स, और देखो बाहर माइनस है तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, बाहर माइनस है तो अंदर माइनस की जगह प्लस, अब सिक्स में से टू कॉमन, तो सिक्स में से टू कॉमन तो बचेगा थ्री, तो यहाँ पे भी कॉमन आया टू एक्स प्लस थ्री, देखो फिर से दोनों ब्रैकेट सेम आ गए ना, टू एक्स प्लस थ्री, और बाहर कॉमन बचा कौन कौन सा, थ्री एक्स एंड माइनस टू, तो थ्री एक्स और माइनस टू उसे एक ब्रैकेट में लिख दें, थ्री एक्स माइनस टू, और दूसरा बचा हुआ टू एक्स प्लस थ्री, तो टू एक्स प्लस थ्री एक ब्रैकेट में लिख दें, तो ऐसे आ गए ना दोनों ब्रैकेट, दोनों फैक्टर मिल गए, ओके ऐसे ही अब थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर, ये फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ, तो इसमें भी चेक करें, सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई कर देते हैं, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व, थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व, साइन देखते हैं आखिरी में, तो आखिरी की साइन माइनस है मीन्स माइनस ट्वेल्व, अब माइनस ट्वेल्व का ऐसा फैक्टर करना है कि जिसका आंसर मिडल टर्म एक्स, एक्स मतलब नंबर कुछ नहीं तो वन हुआ, जिसका आंसर वन आता हो, ट्वेल्व का ऐसा फैक्टर करना है जिसका आंसर, जिसका माइनस वन बनता हो, तो ट्वेल्व कौन कौन सी टेबल में आते हैं वो चेक करते जाते हैं, जैसे कि देखो वन की टेबल में कब आता है, तो वन ट्वेल्व जा, वन ट्वेल्व जा, तो ट्वेल्व माइनस वन वन होता है नहीं, फिर टू की टेबल में ट्वेल्व कब आता है, टू सिक्स जा,
लेकिन 6 माइनस 2 वो 1 होता है, नहीं होता। फिर 3 की टेबल में 12 कब आता है, तो 3 4 जा, तो 4 माइनस 3 1 होता है, होता है 4 माइनस 3 1 होता है, मतलब ये दोनों नंबर मिलेंगे 3 एंड 4, या तो 4 एंड 3, जो भी आगे पीछे लिखो। तो देखो इसमें भी पहला नंबर सेम लिख देते हैं पहले 3x स्क्वायर, आखिरी वाला नंबर भी सेम लिख देंगे -4, तो यहाँ पे भी -4। अब मिडल टर्म में x की जगह पर लिखेंगे ये 4 और 3, मतलब 4x और 3x, और साइन कौन सी वो खास ध्यान देते हैं। फिर से देखो 4 और 3 का सब्ट्रैक्ट करना है ना, माइनस करना है ना 4 और 3 का, ये हर स्टेप में ये नोट करते हैं 4 और 3 का माइनस करना है ना। तो इसका मतलब 4 और 3 का माइनस करने के लिए माइनस में रूल है जो लार्जर नंबर को मिडल टर्म की साइन देते हैं, लार्जर नंबर को मिडल टर्म, 4 और 3 में लार्जर नंबर 4 है तो उसको मिडल टर्म की साइन, मिडल टर्म में ये है ना माइनस तो उसको माइनस की साइन, एंड स्मॉलर नंबर को अदर साइन, स्मॉलर नंबर 3 है तो उसको अदर साइन, मतलब इसको माइनस दिया तो इसको अदर साइन प्लस दे देंगे, तो +3x। फिर एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि ये -4x और +3x, तो -4 + 3 तो -1 बचेगा ना, ऐसा है ना। तो ये 4 टर्म्स आ गए हमारे, और ये जो 4 टर्म्स हुए उनमें से अब फिर से दो दो टर्म में से कॉमन, पहले दो में से कॉमन और आखिरी दो में से कॉमन। तो पहले दो में से जो अगर कॉमन निकालोगे तो देखो 3 और 4 दोनों कोई टेबल में नहीं आते, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं निकालना है, नंबर में कोई कॉमन नहीं, 1 होगा सिर्फ। और x स्क्वायर और x इन दोनों में से छोटा ये x है तो वो x कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो ये जो x कॉमन आएगा, तो पहले में से 3 तो कॉमन आया नहीं, 3 वैसे ही, x स्क्वायर में से बाहर x कॉमन तो अंदर बचेगा ये x, 3x, माइनस 4x में से x बाहर तो बचेगा सिर्फ 4, प्लस दूसरे में, दूसरे दो में से कॉमन निकालें 3x - 4, तो देखो 3 और 4 दोनों कोई टेबल में नहीं आते, मतलब इन दोनों में से भी कुछ भी कॉमन नहीं, सिर्फ 1 ही रहेगा, सिर्फ 1। तो 3 और 4 में से 1, और x x भी कुछ कॉमन नहीं है, x भी दोनों में नहीं है, मतलब सिर्फ 1 कॉमन, तो 1 कॉमन, तो ये 3x का 3x ही रहेगा, और बाहर प्लस है तो अंदर की साइन भी नहीं बदलेगी, ये -4 ही रहेगा। तो ये दोनों ब्रैकेट 3x - 4 एंड 3x - 4, ये दोनों ब्रैकेट इक्वल आ गए ना, और जो बाकी बचे ना x+1 जो कॉमन निकाला उसे एक ब्रैकेट में लिख देंगे x+1, और जो सेम आया उसे अलग ब्रैकेट में 3x - 4। तो ऐसे हुआ ना फैक्टर, आ रहा है ना ध्यान। तो देखो ये फैक्टराइजेशन की मेथड, आज ये सिर्फ फैक्टराइजेशन की मेथड ही करवाई मैंने, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, आपको हर साल ये मेथड हमेशा काम आएगी, 10th स्टैंडर्ड में तो बहुत काम आएगी आप लोगों को, इसीलिए ये मेथड आज ध्यान से समझना, इनके दूसरे सम्स की भी प्रैक्टिस करना, ठीक है। और ऐसे फैक्टराइजेशन के दूसरे सम्स अब हम लोग अगले वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, थैंक यू।